हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग स्पैगेटी बना रहे हैं। स्पैगेटी जो बना रही हैं वो मेरी सिस्टर इन लॉ बना रही हैं। बीफ और मटन खा खा के ईद है। बीफ मटन खा खा के दिल बहुत भर गया है। 3 दिन हो चुके हैं ईद के। आज हमने सोचा कुछ अलग बनाते हैं। आज हम लोग स्पैगेटी बना रहे हैं। स्पैगेटी के लिए हम लोगों ने स्पैगेटी जो है हमने वो बॉयल कर ली है। 1.5 पैकेट हमने स्पैगेटी लिए जो हमने बॉयल करने के लिए रख दिए, थोड़ा सा ऑयल डाल के। ये हमने बोनलेस चिकन ली है, 1/2 kg है तकरीबन। टमाटर लिए हैं, तीन बड़े टमाटर लिए हैं, इसको कट कर लिया है। कैप्सिकम लिए है हमने ग्रीन कलर की। ये हमने गाजर ली है, 1 गाजर ली है, और ये रेड कैप्सिकम लिए है हमने। स्पैगेटी के लिए हमने 2 टेबल स्पून कुटी मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून हमने ये ज़ीरा लिया है, ये हमने सॉल्ट लिया है 1/2 टेबल स्पून, अजीनोमोटो लिया है 1/2 टेबल स्पून, ये हमने एक चिकन की स्टॉक ली है, हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, चाट मसाला लिया है हमने 1 टेबल स्पून। चलाएँ स्टार्ट करते हैं स्पैगेटी बनाना। ये हमारी स्पैगेटी बॉयल हो रही है। ये 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे पहले। लहसुन अदरक को थोड़ा तेल में फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। आप चाहे तो चिकन को बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में हम ट्राई करते हैं। चिकन हमारे हल्की सी फ्राई हो गई है। अब हम थोड़ा सारे स्पाइसेस डाल देंगे। उसके बाद चिकन को अच्छी तरीके से भून लेंगे। फिर इसमें हम शिमला मिर्च और टमाटर ऐड करेंगे। देखें सारा मसाला कितनी अच्छी तरीके से चिकन पे हो गया है अच्छी तरीके से। देखिए अब हम इसमें पहले टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे ना, फिर हम इसमें शिमला मिर्च और गाजर ऐड करेंगे। ये देखिए ये हमारा हो गया, टमाटर गल गए हैं, थोड़े थोड़े से हैं लेकिन वो उसके साथ हो जाएंगे। अब हम इसमें ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च, गाजर, 2 कलर की कैप्सिकम है हमारी, रेड एंड ग्रीन, को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम ये इसमें अब चिल्ली सॉस, सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस लिया है हमने ये 2 टेबल स्पून। अब चिल्ली सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून, ये भी हम 2 टेबल स्पून ही लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है, सब कुछ अच्छी तरीके से, और शिमला मिर्च भी नरम हो गई है, गाजर भी नरम हो गई है। अब हम इसको स्पैगेटी में डालेंगे। ये देखिए हमने इससे पहले स्पैगेटी डाली है, थोड़ा सा मसाला डालेंगे। फिर ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता अगर हम मसाला डाल देते। फिर हम इसमें थोड़ी सी स्पैगेटी डालेंगे। जैसे हम बिरयानी की तरह लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी सारा मसाला, और हमारी स्पैगेटी भी टूटेगी। हाँ, वरना तो चलाने के चक्कर में सारी स्पैगेटी हमारी टूट जाती है।
ये देखें हमने 2-3 तेल लगा दिए। ये देखें ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। ये देखें अभी कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई, सारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। 5 मिनट के लिए ढक देंगे स्लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद देखेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, स्पैगेटी हमारी रेडी हो गई है। 5 मिनट बाद हमने इसको निकाल लिया था, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। ये देखें आप लोग, बहुत यम्मी सी है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, बस दिल कर रहा है अभी उठा के खा लें। ये देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और साथ साथ बराबर में देखें ये क्या है, पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा हमने पिज़्ज़ा ही बनाया है आज। पिज़्ज़े की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, पिज़्ज़े की रेसिपी। अगर आपको पिज़्ज़े की रेसिपी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ये वही पिज़्ज़ा है। ये देखें आज स्पैगेटी और पिज़्ज़ा डे है, आज हम लोग मज़े करेंगे खा के। ये देखें आप लोग, अगर आपको हमारी स्पैगेटी की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारी वीडियो को। नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।